दोस्तों नमस्कार। अभी हमारे साथ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार हैं, जो कि विस्तृत बात करेंगे कि छात्रों के कई सारे मुद्दे हैं जिस पर बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। जी धन्यवाद सर। बीपीएससी शिक्षक बहाली हुई और ऐसे छात्रों का ये कहना है कि जो कट ऑफ जिनका अबव नंबर था, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो आज रोड पे मतलब कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि नियोजित शिक्षकों को सरकार जो है क्यों नहीं हटा रही है। क्यों कोई बीपीएससी में करेगा तो यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं देगा सर? ऐसा कहीं सुने हैं? ऐसा कोई सुने हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में कोई लड़का कम्पीट कर गया तो बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं देगा? सर एग्ज़ाम दीजिए, लड़का लोग कह रहा है कि एग्ज़ाम देना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल है कि नियोजित शिक्षकों जो काउंट किया गया है ना, उनको आप राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए, आप बेफिजूल क्यों मतलब काउंट कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये कोई तर्क नहीं, उसका अधिकार है। अब हम एमएलसी हैं ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के, तो हम एमपी का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ऐसा कहीं सुना है? सर ऑलरेडी जॉब कर रहा है। अरे जॉब उससे कैसे रोक दीजिएगा आप? जॉब रोकने की बात नहीं सर, जॉब तो उनका ऑलरेडी है ही, राजकर्मी का दर्जा मिल जाए। नहीं नहीं, राजकर्मी का दर्जा देंगे कि नहीं देंगे, उनकी बहाली नियोजित के रूप में होगा, वो अलग विषय है। लेकिन यह कहाँ से कुतर्क है भाई कि भाई जो आदमी नौकरी कर रहा है वो दूसरा कंपटीशन नहीं दे सकता है? ये सर बिल्कुल दे सकता है, ये छात्रों का भी कहना है कंपटीशन दे सकता है। फिर लेकिन आप उसको सलाह कीजिए। लेकिन सर ये कहा जा रहा है कि जो 40,000 और भी बच्चे हैं ना, अभी तो 1,20,000 फिर बहाली निकल रहा है। सर डीएलएड वाली बात कर रहे हैं, जो पहली वैकेंसी डीएलएड वाली पूछ रहे हैं ना कि जो लोग ये सब तर्क दे रहे हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं कानून के किस धारा के तहत उसको रोक दीजिएगा आप। सर रोक इस देश के अंदर में न्यायपालिका नहीं सर, उनका कहना है कि हम रोक नहीं रहे हैं। रोक नहीं रहे तो और क्या है सर, राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए और ऑलरेडी वो जॉब। अब सरकार को भी आप ही एडवाइस करिएगा, छात्रों के हित के भी सुनना भाई, छात्रों का हित में ही ना हुआ, इतना बड़ा बहाली देश में कहीं हुआ है? लेकिन सर 30,000 से 35,000 शिक्षक आए वो तो ऑलरेडी जॉब में थे। जो वरीयता अपना छोड़ दिया, 10 साल नौकरी करके अपना वरीयता छोड़ के आ रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? जो नौकरी किया 10 साल 8 साल 9 साल और अपनी वरीयता को छोड़ करके आ रहा है जी। तो उन वरीयता अपना छोड़ रहा है, आप कैसे किसी को रोक दीजिए? ये तो यही कुतर्क हुआ कि नेताजी बन जाएंगे राज्यसभा असम से जाके, और डोमिसाइल नीति लागू कर दो। लेकिन सर हम तो अद्भुत सुनते हैं, तो ये सब तर्क से हमारे दिमाग से बाहर चला जाता है। लेकिन सर फ्रेश वैकेंसी क्या ये हो सकता है? नहीं अभी इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, लेकिन कानून का प्रावधान है। पहले डोमिसाइल का सवाल उठाया, तो जो नेता जी लोग डोमिसाइल का सवाल उठाते हैं तो वो कहे दूसरे राज्य से चुनाव लड़ने चले जाते हैं, वो राज्यपाल क्यों बनने चले जाते हैं? इस देश के नागरिक को अधिकार नहीं है जम्मू में नौकरी करने का? अगर लागू होगा तो सबके लिए लागू होगा, तो कल होगा कि जिला का आदमी होगा यही जिला का बहाली होगा खाली? ये तो बिल्कुल गलत तरीका है। सर हजारों छात्रों का लगातार फोन आ रहा है कि सर फोन आते रहेगा, हम लोग को भी फोन आता है। हाँ सर कि कम से कम नियोजित शिक्षकों को एक राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाए और हम 40,000 सीट को नया तरीके से। नहीं नहीं, वो अलग विषय है, वो आप सलाह देने की जरूरत किसी को नहीं है। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने एग्जाम लिया है, कंडक्ट किया है, उसको अधिकार है, लोग अभ्यर्थी उसमें आवेदन दे रहे हैं। अब कोई अभ्यर्थी अपना नाम गलत लिख दिया तब कह रहा है कि ये तो मेरे साथ गलत हुआ। भैया तो आप टीचर की नौकरी करने जा रहे हो, आप अगर ठीक से फॉर्म नहीं भर रहे हो तो ये आपकी जिम्मेवारी है ना। लेकिन सर बीपीएससी भी आप लोगों की सलाह से तो काम करती है? नहीं नहीं नहीं, बीपीएससी स्वतंत्र निकाय होता है, ऐसा नहीं है। तो बीपीएससी सरकार तो जदयू का कार्य करते, सबका परिवार भर जाता उसमें, वही लोग बीएड के लेता, वही लोग चला जाता नौकरी में। 1 रुपया किसी को लगा है? 1 सिक्का? तरह तरह के बहुत बढ़ती गई, अनियमितता इतना बढ़ता गया है कि सब टीचर लोग जाके पूछिए ना, सब कहा है कि परीक्षा कहाँ दी है, ऐसे ही मेरा हो गया। नहीं सर बीपीएससी का तो चयन सही है, लेकिन उसमें जो अंदरूनी जो कई सारी खामियां जो हुई है ना, खामियां तो बता तो रहे कहाँ एक्सेप्ट कर रही है? बीपीएससी ने कभी नहीं कहा कि हमने अनियमित बहाली किया है। अतुल जी भी कह रहे हैं कि कई सारी कमियां हुई है झटपट झट में, वो अलग विषय है किसी का। लेकिन 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति में कोई एग्जाम नहीं दिया, सब पैसा पर नियुक्ति हुआ है। लेकिन सर नहीं, हमको हम जानना चाहते हैं, अरे एक प्रमाण दिखावे ना। जीतन राम मांझी जी बोले तो उनके क्षेत्र में सब नाम जारी कर दिए, हमको जरा नाम बताइए तो ये सब गड़बड़ नाम है, बोलिए कि लोग का गलत नियुक्ति हुआ है। अरे भाई परीक्षा देना, परीक्षा में सफलता प्राप्त करना ये एक रूटीन दौर है। अभी शिक्षकों की बहाली फिर निकलेगी, अभ्यर्थी उसमें डालेंगे अपना आवेदन देंगे। तो सर मतलब साफ है कि नियोजित शिक्षक को जो इंट्री हुआ है इसमें वो ऑलरेडी बने रहेंगे?
बिल्कुल बने रहेंगे, क्यों नहीं बनेंगे भाई, कैसे आप रोक दीजिएगा? कल आप हटा दीजिएगा तो कोर्ट उसको रख लेगा, कैसे रोक देगा? कोई कोई नहीं रोक सकता है, कानून में उसको अधिकार प्राप्त है। ऐसा थोड़े कि हम MLC हैं तो हम MLA का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जब हम MLA का जीत जाएंगे तो हमको रिजाइन करना पड़ेगा, तो रिजाइन करना होगा उनको, वो अपनी वरीयता खोएंगे। अब उनके ऑप्शन पर निर्भर करता है, स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। एक सवाल है और नीरज जी की, CTET जो अपीयरिंग छात्र हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग को मौका दिया जाए, क्योंकि जब मतलब कि हम लोग कंप्लीट हो जाएगा, CTET क्वालिफाई हो जाएंगे, तो फिर जिनको मौका मिला, जो अभ्यर्थी है वो कह रहे हैं कि तुरंत हो जाए, तब तो उनसे कौन बतियाएगा, उनसे कौन बात करेगा? क्योंकि आवास पे भी लगातार वो लोग, हम तो पूछ रहे हैं आपसे कि जो अभ्यर्थी अपना क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अभी एग्जाम हो, आप कह रहे हैं कि जब एग्जाम मेरा हो जाए तब हो जाए जी। ये सब चलते रहता है, ये सब के लिए चिंता नहीं करना चाहिए, सरकार को एक ही बात की चिंता करना चाहिए कि जितना मैक्सिमम हो रोजगार सृजित करे सरकार। सर त्रुटि और खामियां जो है उस पर सरकार एक्शन लेगी? त्रुटि और खामियां के लिए माननीय उच्च न्यायालय बना हुआ है, और अभ्यर्थी मीडिया ट्रायल में नहीं रहेंगे, वो जाएंगे, चले गए होंगे। अगर अभ्यर्थी सर केस भी कर दिए हैं, केस किया है तो कोर्ट ने, न्यायालय सुनेगा, उस पर न्यायालय की जो टिप्पणी आएगी, सरकार को मान्य होना चाहिए, BPSC को भी मानना होगा, पार्टी तो BPSC बनेगी तो जवाब BPSC देगी उसकी। तो सर छठ के उपलक्ष्य में लाखों छात्रों के लिए क्या कहेंगे, जिस तरीके से बहाली और भी पढ़िए, खूब पढ़िए, मन से पढ़िए, मन से पढ़िएगा तो रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। नई आर्थिक नीति है देश के अंदर में, रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं। लेकिन सर BJP साफ कह दी कि ये कम से कम 40,000 सीटें घोटाला हुआ है। अब BJP पर हमको कुछ नहीं बोलना है जी। 51,000 नियुक्ति में 133 को बिहारी है, लाज लगता है इस सबको बोलने में, लाज लगता है बोलने में। महिलाओं को दिया है रिजर्वेशन, दिया है स्वतंत्रता सेनानी को रिजर्वेशन, रोजगार पर BJP बोल देगी। 27 जुलाई 2022 को पार्लियामेंट में कबूल किया है कि हमने 7,22,134 लोगों को ही नौकरी दी, क्या हालत बना करके रख दिया है रोजगार के सवाल पर। और रोजगार का साटा कर रहे थे 2 करोड़ 1 करोड़ 3 करोड़, तो देख लीजिए हाल इनका क्या है, 55,000 में 51,000 में 133 बिहारी। मतलब BJP की सट्टाबाजी फेल हो गई भाई, तो दुनिया जग जाहिर है, एक दो को पद खाली है, सेना का पद खाली है। ऐसा सुने कहीं कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की दुखद मौत हो जाएगी उसको अनुकंपा का लाभ मिलेगा, अब भारत माँ का सपूत शहीद हो जाएगा तो उसको अनुकंपा का लाभ नहीं, तो रोजगार को तो बेच दिया समूचा अदानी के हाथ में। CISF एयरपोर्ट पर रहता था, वहाँ पर सब अदानी का में सिक्योरिटी फोर्स लगा दिया, तो यही तो हो रहा है देश के अंदर में। बिल्कुल, तो नीरज कुमार ने साफ क्लियर कर दिया, और जिस तरीके से छात्रों के हित की बात जो की जाती है तो उसको लेकर जो है नीरज कुमार जो है खुद कह रहे हैं कि जो छात्र हैं अपीयरिंग में और जो छात्र अभी एफोर्ड करेंगे उनके लिए बेहतर अवसर है और ज़रूर ध्यान दें। और जहां तक नियोजित शिक्षकों के मसले हैं वो अब चेंज नहीं होने वाला है, इसको लेकर छात्रों को एफोर्ड करना पड़ेगा, अपना क्वालिटी बेस्ट देना पड़ेगा। और जिस तरीके से BPSC अपने हिसाब से जो काम कर रही है उसमें अब ट्रांसपेरेंसी दिखती नज़र आएगी और धीरे धीरे जो भी कमियाँ हैं वो भी दूर होगी। लेकिन फिलहाल जो है नियोजित शिक्षक को जो मौका वो बने ही रहेंगे, तो और भी नई वैकेंसी जो 2.0 आने वाली है उसको लेकर तमाम अभ्यर्थी अब फोकस्ड करें। जो लोग मिडिल स्कूल में 6 to 8 में जाने वाले हैं उनको एफोर्ट डालना है, क्योंकि बड़ी वैकेंसी आ रही है और ये छात्रों के लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों।